के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला जोन में बाघिन चक्रधरा के दो सावकों की अटखेलियां देखने को मिली। ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के पारदी मोहल्ले में युवक रघुवीर आदिवासी की हत्या के मामले में बघेल समाज के संजू पाल और सौरभ पाल के खिलाफ पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बघेल समाज द्वारा बीती रात एसपी ऑफिस पहुंचकर मामला दर्ज होने का विरोध जताया गया। ये पारदी समाज के कुछ लोग पारदी समाज के एक व्यक्ति की कल रात थाना झांसी रोड क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी और उसको लेके एक धरना प्रदर्शन उनके समाज ने किया था और दो लोगों पे आरोप लगाए थे कि इनके कारण या इनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। इस पे से थाना झांसी रोड में उन दो व्यक्तियों के खिलाफ, दो आरोपियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। बेवफाई से तंग आकर पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पति की कर दी जमकर पिटाई। घटना नागौद के वार्ड नंबर 11 की बताई जा रही है। कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय एवं क्षेत्रीय कौशल विकास निर्देशालय मध्य प्रदेश के निर्देश अनुसार अप्रैल 2023 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में अप्रेंटिस ट्रेनिंग को बढ़ावा देने, 10 जिलों में संभाग स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षुकता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। रीवा संभाग के अंतर्गत संभाग स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षुता जागरूकता कार्यशाला गुरुवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में DND होटल एवं रिसोर्ट पन्ना रोड सतना में आयोजित की गई। ग्वालियर के घाटी गांव पुलिस ने फार्म हाउस में छिपा कर रखी 185 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित तस्कर को किया गिरफ्तार। जमीन में गड्ढा कर रखे हुए 3 खाली ड्रम व ड्रम में शराब निकालने वाली मशीन की गई जब्त। नजर के नजीराबाद इलाके के मुक्ति धाम के पास स्थित फायर स्टेशन में अतिरिक्त हॉल के निर्माण का भूमि पूजन एवं फायर स्टेशन का लोकार्पण मुख्य अतिथि महापौर योगेश ताम्रकार ने किया। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता रही। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद तारिक रजा समेत सैकड़ों वार्ड वासी एवं फायर अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। मैहर वाद्य वृंद में हुई उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की शुरुआत। 17 मार्च को सतना जिले के मैहर में प्रतिवर्ष होने वाली ख्याति उपलब्ध बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की शुरुआत बाबा द्वारा बनाए गए वाद्य यंत्र नल तरंग के वाद्य वृंद वादन से हुई। 48वें बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का शुभारम्भ सांसद सतना श्री गणेश सिंह ने भारत माता बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां और उनके सुपुत्र अकबर अली खां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।